नमस्कार। किस्से और कहानियाँ, बातें और पहेलियाँ, सुनने सुनाने, पढ़ने पढ़ाने, बातें समझदारी की, खबरें दुनियादारी की, मनोरंजन के रंग सब रंग के संग। सब रंग कहानी, खबरें, ज्ञान और विज्ञान से सजा साक्षरता का इंद्रधनुष। सब रंग मनोरंजन और साक्षरता का अनोखा सफर। और हर बार की तरह इस बार भी हम अपने सफर की शुरुआत करेंगे सुनो सुनाए से। सुनो सुनाए, जिसमें हम आपको दिखाते हैं एक दिलचस्प कहानी। और हमारी इस बार की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं सुनो सुनाए। तो आप रामशरण की कहानी सुनने आए हैं? जी, जब आपका पत्र मिला तो रामशरण की कहानी पढ़कर यकीन नहीं हुआ। फिर लेख लिखने के लिए कुछ और चीजों का जानना भी जरूरी था, इसलिए यहाँ आना पड़ा। रमन जी, शहर में बैठकर गांव की कहानी लिखनी भी नहीं चाहिए, वो भी तब जब आप एक सत्य कथा लिख रहे हो। अच्छा हुआ आप आ गए। रहे जी, आपको यहाँ कितने बरस हो गए? मुझे करीब 11-12 साल तो हो गए होंगे। जैसे कि मैंने आपको लिखा था कि मैं यहाँ महिलाओं के लिए एक स्वयंसेवी संस्था चलाती हूँ। अरे आप चाय तो लीजिए, ठंडी हो जाएगी। जी गरम चाय मैं पी ही नहीं सकता, ठंडी करके पीता हूँ। सिगरेट पी सकता हूँ? जी नहीं। जी आप सिगरेट नहीं पी सकते, क्योंकि आपके सिगरेट पीने से हम दोनों की सेहत को नुकसान पहुँचेगा। आप ठीक कह रही हैं। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैं यहाँ महिलाओं के लिए एक स्वयंसेवी संस्था चलाती हूँ। इतने बरस यहाँ रहकर मैंने ये देखा है कि हमारी बहुत सारी समस्याओं की जड़ अज्ञानता है, और रामशरण की कहानी भी इसी से जुड़ी हुई है। रामशरण हमारे छोटे भाई रहे। बचपन में ही पिताजी का देहांत हो गया था, तो सारी जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। रामशरण वैसे तो काफी तेज थे, पर पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता था। हमने सोचा शादी कर देते हैं, अपने आप जिम्मेदार हो जाएंगे। तब क्या उम्र रही होगी रामशरण की? 15-16 बरस। अच्छा, पर शादी के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। रामशरण का खेतीबाड़ी में मन ही नहीं लगता था, तो हमने दुकान खुलवा दी, वो भी नहीं चली। एक दिन हमारे गांव के लोग शहर से वापस आए, बस रामशरण को धुन सवार हो गई कि हम भी शहर जाएंगे और नौकरी करेंगे। उनकी ये जिद भी पूरी हो गई। तो क्या अपनी बीवी को भी साथ ले गए थे वो? अरे नहीं बाबू, परदेश का मामला, औरत को कैसे साथ भेज देते। यहाँ गांव में लोग अपना परिवार छोड़कर ही जाते हैं। अगर कोई साथ ले जाना भी चाहे तो घर के बड़े लोग मना कर देते हैं। बहाने तो कई हैं, पर शायद असली वजह ये है कि इन औरतों के ऊपर घर के अलावा खेती बाड़ी, जानवर, इन सबकी भी जिम्मेदारी है। तो फिर क्या नौकरी मिल गई थी रामशरण को? हाँ नौकरी मिल गई, एक साल तक सब ठीक रहा। फिर एक दिन अचानक रामशरण वापस आ गए, बहुत बीमार रहे। हम वैद्य, ओझा सबको दिखाए, किसी को समय नहीं आया। और फिर एक दिन दीनू भैया के लड़के ने चिट्ठी भेजी। बनवारी! अरे ओ बनवारी भाई, कहाँ छुपाया रामशरण को? छुपाएंगे क्यों भैया, जब से आए बुखार चढ़ा है, अंदर पड़े हैं। देखो हम लोगों से छुपाए से कोई फायदा नहीं है, हम सब लोगों को पता चल गया है। क्या पता चल गया है? भाऊ बनने की कोनो जरूरत नहीं बनवारी, दिनों के लड़के की चिट्ठी आ रही है। क्या लिखा है चिट्ठी में? तो रामशरण तुमको कुछ नहीं बताए? अरे बताएंगे कैसे, मुंह काला जो कर आए हैं। बहुत हो चुका, इतनी देर से तुम्हारा बकवास सुन रहा हूँ, जो कुछ कहना है जल्दी कहिए। रामशरण को एड्स है बनवारी। एड्स? हाँ, ये एक जानलेवा बीमारी है, एक बार लग जाए तो इसका इलाज ही नहीं है। ये परदेश जाके दूसरी औरतों से संबंध बनाए रहे, तभी ना लगी है ये बीमारी। ए, तुम लोग अंदर जाओ। अब बात छिपाए से नहीं संभलेगी बनवारी, घर की छोड़ो, अब तो पूरे गांव को खतरा है रामशरण से। छुआछूत की बीमारी है, साक्षात यमदूत बिठायो घर में। और फिर उस दिन के बाद से गाँव में रामशरण के परिवार वालों का जीना हराम हो गया। पर क्यों? गाँव में बात फैल गई कि रामशरण के परिवार वालों के साथ किसी भी तरह का संबंध होने से मौत का खतरा है।
देखो तुम्हें पहले ही बता चुके हैं, यहाँ मत आया करो और अपनी बच्चियों को भी संभाल के रखो। दोबारा यहाँ आए तो टांगे तोड़ देंगे। हर तरीके से इन लोगों को जलील किया गया, कोई भी इनके घर नहीं जाता था, सबने मिलना जुलना बंद कर दिया, मगर सबसे ज्यादा फर्क पड़ा बनवारी की दुकान पर। दीनू भैया, अरे ओ दीनू भैया, क्या बात है? अरे इस बार तुम दुकान पर ही नहीं आए, तो हमने सोचा किसी काम में फंस गए होंगे, तो तुम्हारा सामान घर पर ही दे आए। लो पकड़ो। अरे भैया ये सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। क्या बात होगी दीनू भैया? तुम्हारी दुकान का जहर हम अपने घर वालों को खिलाएंगे। रामशरण को ठहरा है ना अपने घर पर, वो तो मर ही रहा है, कल को तुम भी मरोगे इस एड्स से। क्या बात करते हो दीनू भैया। देखो देखो भैया ज्यादा करीब मत आओ, जान सबको प्यारी होती है, हमें माफ करो। स्नेह जी, एड्स हाथ मिलाने से, साथ बैठने से या साथ खाने से नहीं फैलती। हाँ, मगर ये बात यहाँ के लोगों को नहीं मालूम, बस एक झूठी अफवाह की तरह एड्स के बारे में कई गलत बातें फैली और सच मान ली गई। आखिर एक दिन रामशरण पर अपनी जान निछावर करने वाला उसका अपना भाई बनवारी ही उसकी जान का दुश्मन बन गया। जीना हराम कर दिया है तूने हमारा। अरे कौन से पापों की सजा दे रहा है हमें भैया? जिंदगी मुश्किल कर दी है तूने, पूरा गांव थूक रहा है हमारे मुंह पर। चल भाभी, बसंती, बहुत सताया तूने हमें, अरे तेरे पापों को तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। चल, अरे तू चल, चल, अरे जानवर किसी हरकत किए हो तो जानवर की तरह रहो, अरे इंसान के साथ रहने लायक तो तुम हो ही नहीं। मरो सड़ो। जानवर बांधे जाते हैं यहाँ, ये घास पड़ी है उनके लिए। यहाँ रामशरण 3 महीने से भी ज्यादा दिन बंद रहा। यकीन नहीं होता कि कोई अपने भाई के साथ इस तरह की ज्यादती कर सकता। नहीं रमन जी, बात अपने पराई की नहीं है, यहाँ पर ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं, किसी भी बात पर आसानी से यकीन कर लेते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। अब एड्स मच्छरों के काटने से, छींक आने से या जूठा खाने से नहीं फैलता है, मगर यहाँ किसे अब, शायद इसीलिए रामशरण के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया। यहाँ तक कि उसके अपने भाई, भाभी, उसकी बीवी उसके पास जाने से डरने लगे। इसी कोठी में रामशरण के घर वाले दूर से ही खाना फेंक दिया करते थे। एड्स से शरीर में बाहर की बीमारियों से लड़ने की ताकत खत्म होती जाती है, वही रामशरण के साथ भी हो रहा था। दिन पर दिन उसकी हालत खराब होती गई और फिर इसी कोठरी में रात दिन बंद उसके लिए जिंदगी ही मौत बन गई। एक बार तो उसने यहां से भागने की भी कोशिश की। पहले कह रहे इस कुत्ते को संभाल के रखना, आज तो ये जिंदा वापस आ गया है, कल अगर ये बाहर निकला तो तुम्हारा पूरा कुनबा ही साफ कर देंगे। ठहरो, किसने हक दिया आप लोगों को इसके साथ इस तरह सलूक करने का? हाँ, रामशरण ने गलती की, उसकी सजा भी उसे मिली,
लेकिन आप लोग कौन सा दूध के दूल्हे हो? बहुत नफरत करते हो रामशरण से क्योंकि इसे एड्स? मगर एड्स क्या है पता है तुम्हें? तुम्हें पता है कि एड्स कैसे फैलता है? तुम्हें? किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन रामशरण और उसके परिवार वालों को सजा सुना दी गई। गलत है ये, बंद करना होगा इसे। मगर इससे पहले आप लोगों को एड्स के बारे में जानना होगा। एड्स एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध रखने से होता है। ये बीमारी एड्स के पीड़ित व्यक्ति के खून के जरिए से आ सकती है। एड्स के रोगी पर इस्तेमाल की गई सुई अगर दोबारा इस्तेमाल की जाए तो ये रोग फैल सकता है। अगर औरत गर्भवती है और उसे एड्स है तो उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी ये बीमारी लग सकती है। लेकिन एड्स के रोगी के साथ बात करने से, उसे छूने से, उसके साथ खाना खाने से ये रोग नहीं फैलता है। बिना जाने समझे आप लोगों ने बहुत अन्याय किया है इस पर। रामशरण के घर वालों ने इसे वापस अपना लिया। एक महीने बाद रामशरण चल बसा। मगर एक साल बाद भी गांव के कुछ लोग रामशरण के परिवार वालों से दूर ही रहते हैं। पर एड्स तो खून की जांच करवा कर पता चल सकता है। हाँ, मैं खुद रामशरण के घर वालों को शहर लेकर गई, वहाँ उनके खून की जांच करवाई, मगर उनमें से किसी को भी एड्स नहीं था। तो फिर गाँव वाले? रमन जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारी ज्यादातर समस्याओं की जड़ अज्ञानता है, और एड्स के विरुद्ध इस लड़ाई में हमारे पास केवल एक ही हथियार है, जानकारी। जी, शायद रामशरण पर यह लेख इस लड़ाई में कुछ मदद कर पाएगा। क्या कोई अपने सगे भाई अपने पति के साथ ऐसा सलूक कर सकता है? लेकिन जैसा आपने देखा, गलती घर वालों की या गांव वालों की नहीं है, गलती है एड्स के बारे में फैली अफवाहों की या गलत जानकारी की। और अगर सच पूछा जाए तो असली गलती है निरक्षरता की। जी हाँ, एक निरक्षर आदमी अपना जीवन यूं ही गंवा देता है। आगे बढ़ने, अपने अधिकार जानने और जीवन का पूरा आनंद उठाने के लिए पढ़ना लिखना तो बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि सवाल का जवाब ढूंढना ही विकास की पहली मंजिल है। ऐसा क्यों एक ऐसा सवाल है जिसने विकास के कई रास्ते खोले हैं। तो चलिए हम भी पूछते हैं, ऐसा क्यों? क्या कर रहे हैं आप? ताले की चाबी खो गई है या इसकी मजबूती पर रख रहे हैं? ना ही इसकी चाबी खोई है और ना ही इसकी मैं मजबूती पर रख रहा हूँ, बल्कि ताले में जंग लग गया है और इसे मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद लोहे का ताला होगा। शायद से क्या मतलब है आपका? क्या किसी और धातु पर भी जंग लगता है? नहीं नहीं, दरअसल मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि लोहे पर ही जंग क्यों लगता है, किसी और धातु पर क्यों नहीं? चलिए आज इस राज का भी पर्दाफाश कर देते हैं। लोहा जब हवा की नमी के संपर्क में आता है तो उस पर एक पतली सी लाल रंग की परत बन जाती है। ये आयरन ऑक्साइड की परत है जिसे हम जंग कहते हैं। लोहे पर जंग लगना यानी लोहे का आयरन ऑक्साइड में तब्दील होना, और शायद इसीलिए लोहे की चीजें धीरे धीरे गलने लगती हैं और फिर कमजोर पड़ जाती हैं। जी हाँ, इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है लोहे के पाइप जिनमें से पानी बहता रहता है, इनमें अक्सर जंग लग जाता है। जैसे लोहे के कूलर की बॉडी अक्सर जल्दी गल जाती है। बिल्कुल ठीक। आपने गौर किया होगा कि गाड़ी, स्कूटर, साइकिल का नीचे का हिस्सा जल्दी गलता है क्योंकि उसका संपर्क कीचड़, पानी से ज्यादा होता है। समुद्र के पास हवा में नमी बहुत होती है, इसीलिए इन इलाकों में लोहे की चीजों पर जंग जल्दी लग जाता है। जंग से जब हम लोगों का इतना नुकसान होता है तो इसे रोकने का कोई उपाय नहीं? उपाय है, आप लोहे की चीजों का इस्तेमाल ही नहीं करें। जैसे कि लोग अक्सर पानी के लिए पीवीसी की पाइप, लोग आजकल लोहे की बजाय पीवीसी की पाइप इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, या फिर लोहे की वस्तु के ऊपर तेल की परत लगा दें, जैसे शटर या मशीन पर लगा दी जाती है। बिल्कुल, और एक उपाय और है,
कि लोहे की चीज के ऊपर पेंट की एक परत लगा दे, जैसे पुराने स्कूटर या कूलर पर कर दिया जाता है। जी हाँ बिल्कुल, इससे ये होता है कि लोहे का संपर्क नम वायु से होता ही नहीं है। लेकिन एक बात और है, जंग हमारी सेहत के लिए काफी हानिकारक भी होता है। और जंग लगी हुई सुई या कैंची का इस्तेमाल त्वचा पर नहीं करना चाहिए। दरअसल जंग लगी हुई चीजों से अगर हमारी त्वचा कट जाए तो उन पर लगी गंदगी और कीटाणु हमारे खून में मिलकर उसे दूषित कर देते हैं, जिससे कि हमें सेप्टिक का खतरा हो सकता है। मगर कैंची, सुई या छुरी को तो हम रंग नहीं कर सकते, तो इन्हें जंग से कैसे बचाया जा सकता है? स्टेनलेस स्टील से। स्टेनलेस स्टील लोहे और अन्य धातुओं का मिश्रण है। ये हल्का तो होता ही है, साथ ही इसमें कभी जंग नहीं लगता, और इसीलिए आजकल बर्तन स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब लोहे की किसी चीज पर जंग लगता है तो उसका वजन बढ़ता है, घटता है या फिर वही रहता है? बढ़ता है, नहीं नहीं घटता है, या फिर शायद वही रहता है। आप ही बताइए क्या होता है और होता है ऐसा क्यों। चलिए जंग कैसे लगता है ये तो पता चल गया, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जिन पर कभी जंग नहीं लगता। जी हाँ, जैसे स्टेनलेस स्टील, सोना, एल्यूमिनियम। नहीं नहीं, मैं इन चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उन चीजों के बारे में कह रहा था जो जितनी पुरानी होती हैं उतना ही उनका मूल्य बढ़ जाता है। जैसे? जैसे हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, और उनका प्रतीक है हमारे प्राचीन मंदिर जिन्हें आज हम देखेंगे। तो हो जाए सैर सपाटा। हजारों वर्षों से हमारी धार्मिक आस्था और विश्वास के प्रतीक हैं हमारे ये मंदिर। पहाड़ी क्षेत्र कुमाऊं, जिसे देवी देवताओं का निवास स्थल भी कहा जाता है, यही स्थित है कटारमल सूर्य मंदिर। सूर्यदेव के विशाल मंदिर के साथ यहाँ अनेक छोटे बड़े देवी देवताओं के मंदिरों का समूह भी है। तस्मै नमो विघ्ननाशनाय सिद्धार्थं पूरितोऽस्मि रविशरणं श्रीगणाधिपते नमो नमामि भुवननेत्रं रमाकेलिपात्रं चतुर्बाहुस्वामी। जो सूर्य मंदिर के साथ जो है अन्य मंदिर है, तो ये 44 मंदिर और बने हुए हैं। इसमें 45 शिव जी के हैं, पार्वती के हैं, इधर तुम्हारे गणेश के हैं, अन्य देवी देवताओं के जो है मंदिर और बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो है 45 मंदिरों का समूह अभी मौजूद है। कत्यूरी राजाओं की धर्म के प्रति आस्था के प्रतीक हैं ये मंदिर। मंदिरों की श्रृंखला में है जागेश्वर स्थित शिव मंदिरों का समूह, जो कि शिव धाम के नाम से भी जाना जाता है। और ये घंटिया प्रतीक है चितई मंदिर की मान्यता की। कहा जाता है जब किसी व्यक्ति की कोई मनोकामना पूर्ण होती है तो वो इस मंदिर में आकर घंटी चढ़ाता है। भगवान शिव का निवास स्थान समझे जाने वाले हिमालय को जिसकी गोद में स्थित है बैजनाथ के मंदिरों का समूह। हजारों वर्ष पुराने ये मंदिर आज भी लोगों के धर्म के प्रति आस्था और विश्वास के प्रतीक बनकर खड़े हुए हैं। जहाँ इतिहास के बारे में जानना जरूरी है, वहीं आज की खबर रखना भी उतना ही जरूरी है, खास तौर पर जब वो खबर निरक्षरता के खिलाफ चल रहे आंदोलन से जुड़ी हो। तो आइए सुनते हैं समझदार सिंह की समझदारी की बातें और देखते हैं समाचार समझदार। साक्षरता समाचार में आज पहली खबर राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर से, जहां साक्षरता अभियान के चलते महिलाएं भी किसी से कम नहीं। आज ये महिलाएं साक्षर तो हो ही रही हैं, साथ ही कई ऐसे काम भी सीख रही हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। इन महिलाओं ने साक्षरता को सही मायनों में समझा है। जयपुर में आज मिथिलेश वार्ष्णेय महिलाओं को साक्षर करने के साथ कशीदाकारी की ट्रेनिंग भी दे रही हैं। यहीं सावित्री देवी अपने ही घर में सेंटर चलाती हैं और नव साक्षर महिलाओं को जरदोजी का काम सिखाती हैं। सीताबाड़ी प्रिंटर्स नगर, जहां महिलाओं को साक्षरता के साथ प्रिंटिंग का भी काम सिखाया जाता है। पढ़ना लिखना सीखकर आज ये महिलाएं खुद अपनी परिस्थितियों को बदलने में सक्षम हो गई हैं। अगली खबर आगरा से, जहां है विश्वविख्यात ताजमहल। आगरा का दिगनेर गांव, जहां साक्षरता ने पूरे गांव की काया ही पलट दी। साक्षरता ने गांव वालों की सोच को बदला है।
साक्षरता का अर्थ सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं, गांव वालों ने इसे जोड़ा है गांव की साफ सफाई से। साक्षरता और स्वास्थ्य का सुंदर उदाहरण था गांव में चल रहा पल्स पोलियो अभियान, जहां गांव के साक्षर कर्मियों ने गांव की महिलाओं को परिवार नियोजन के बारे में भी बतलाया। फिल्मी गीतों और लोक गीतों को साक्षरता के बोलों से सजाकर गांव में साक्षरता का प्रचार भी किया जा रहा है। घर खेत के कामों से समय निकालकर आज महिलाएं खुद भी साक्षरता अभियान से जुड़ी हैं। अब एक नजर झलकियों पर। ग्वालियर जिले का घाटी गांव, जहां गूंज रहे हैं आज साक्षरता के गीत, जो गांव वालों को साक्षर और निरक्षर का भेद बतला रहे हैं। आज यहां महिलाएं सेंटर पर आकर पढ़ने लगी हैं। घाटी गांव की नव साक्षर महिलाओं ने आज अक्षर की ताकत को पहचाना है। सही शिक्षा हमें अपने पैरों पर खड़ा करती है, ये मानना है अजमेर जिले के श्रीनगर की महिलाओं का। अपने घर के कामों से समय निकालकर ये नव साक्षर महिलाएं चौक बनाने का काम करती हैं। अपने साक्षरता केंद्र से कई महिलाओं ने पांचवी तक की परीक्षा पास कर ली है। इनके लिए साक्षरता एक हुनर है। हौसले अगर बुलंद हों तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। इसका जीता जागता उदाहरण है बनारस के लोहता क्षेत्र की बावनी देवी। बावनी देवी ने अपने क्षेत्र में साक्षरता अभियान को आज जन आंदोलन का रूप दे दिया है। आज लोहता क्षेत्र के लिए ही नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए बावनी देवी एक मिसाल है। अब पेश है हमारे विशेष संवाददाता समझदार सिंह की एक रिपोर्ट। आप जितना भी चिल्लाते रहो, चिल्ला चिल्लाकर आपका मुंह थक जाएगा, पर इनके कान पर जू तक ना रेगने वाली। अरे भाई, ये आपका शहर है, इसलिए साफ रखो, क्लीन रखो, ग्रीन रखो, रेडियो पर छुड़ा दो, टीवी पर दिखा दो। ए भाई, मैंने एक बात बताओ, पान खाया है तो पान खाने के बाद दीवार पर थुक्का नहीं तो फिर पान खाने का मजा के? अरे ओ देश के नागरिक, ये पान खाने के बाद दीवार पर थूकना के संविधान में लिखा है। अरे आपके कहने का मतलब क्या है? मतलब यू भैया कि यहाँ के थूक रहे हैं, अपने घर जाके थूक सड़क तेरे पर। देखिए हुजूर, हमें गुस्सा मत दिलाइए। भाई कमाल की बात है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, पान भी खाओ और इधर उधर थूको भी। देखिए साहब, हम पान नहीं खाते, और अगर खाते भी तो केका? तू पान ना खाता? हरगिज नहीं। तू पान ना खाता? बिल्कुल नहीं। तू पान ना खाता? नहीं नहीं नहीं। पान ना खाता तो लाल पीक, फिर तो तन्ने भाई कोई बीमारी है। हाँ, पायरिया। देखिए समझदार सिंह जी, आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। पहले आप कह रहे थे कि मैं पान खा रही हूँ, अब कह रहे हो कि पीरिया। वे भाई कौन पीरिया है? पीरिया नहीं मेरे बाप, पायरिया। इस बीमारी में मसूड़ों में से खून बहता है। अच्छा यू बता, खाना खाने के बाद मुसूड़ों की अच्छी तरह सफाई करता है? अरे क्या बात करते हो हुजूर, अरे शेर भी कभी अपना मुंह धोते हैं। अच्छा नू बता, मैंने खाने में पौष्टिक आहार लेता है, जैसे अंडा, मांस, पत्तेदार सब्जियां, नींबू, संतरा, टमाटर? अब हुजूर, हमें सेहत बनाने की क्या जरूरत है, हमारे सामने तो वैसे भी कोई टिकता नहीं। अरे वो यू नकली दारा सिंह की पारिया के मरीज के मुंह से बदबू आवे है। अच्छा मैंने ये बता, तेरे मसूड़ों में जलन होती है? हाँ। मसूड़ों में सूजन और दर्द भी होता है? अरे वाह समझदार सिंह जी, आप तो बीमारी के बारे में यूं बता रहे हो जैसे बीमारी हमें नहीं आपको हो। बीमारी मैंने नहीं भाई, बीमारी तो तन नहीं है और है भी पायरिया। अब जल्दी से जाकर डॉक्टर से जांच करवा ले। भाई गंदे दांत तो पूरे शरीर में बीमारी फैलाते हैं, इसलिए खाना खाने के बाद अच्छी तरह दांत ने साफ कर लो। भाई हमारा काम तो है समझाना, सो समझा दिया। मैं समझदारपुर से समझदार सिंह। अक्षर अक्षर जोरी के भाषा लेहु बनाए, पढ़ना लिखना सीखी के समझदार हो जाए, समझदार हो जाए काम खुद अपना कर ले, युक्ति यतन से सुखमय जीवन अपना कर ले। तो अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। सबरंग आपको कैसा लगा हमें लिखना ना भूलिएगा। हमारा पता है सबरंग, पीओ बॉक्स 3848, नई दिल्ली 110049। तो हमें रहेगा आपके पत्रों का इंतजार। नमस्कार, नमस्कार।